हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ सेवन में। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी फ्रेंड्स। तो फिर अभी आप लोग बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। आज हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को घमौरियों से कैसे बचाएं, क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और घमौरी होना एक आम बात है। और बड़ों को घमौरी हो रही है तो वो एक हद तक इसको झेल सकते हैं, लेकिन अगर छोटों को हो रही है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स, और बार बार खुजली होने लगती है ना। घमौरी होना तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी बीमारी है गर्मी के सीज़न में। जो होना है ये तो तय है फ्रेंड्स। इस दौरान क्या होता है कि जब हमारे छोटे बच्चे को घमौरियाँ होती हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं, रेड कलर के या फिर वाइट कलर के ना। और वो तो जो दिक्कत होती है वो होती है, प्लस उनका शरीर देखने से भी बहुत गंदा दिखने लगता है, जैसे फेस पे हो जाए या फीट पे, गर्दन पे हो जाए फ्रेंड्स। तो जो भी दाने होते हैं इन्हें हम लोग घमौरी बोलते हैं ना। और ये होता कैसे है, जब बहुत अधिक पसीना होता है ना, बहुत अधिक पसीना होता है या बहुत ज़्यादा देर तक हमें धूप लग जाती है, तो फिर ये जो हमने बताया दाने वाली समस्या, घमौरी वाली, ये तभी उत्पन्न होती है। और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं फ्रेंड्स, इसमें जलन हो सकता है, खुजली हो सकती है, और मतलब बहुत सारी इचिंग, मतलब वो खुजली बहुत अधिक मात्रा में होती है फ्रेंड्स, और मतलब भारी भारी सी शरीर लगने लगती है ना, लगता है जैसे कि एक लेयर कुछ चढ़ गया उस शरीर पे। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए हमें बच्चों को कैसे रखना है, क्या करना है जिससे हम घमौरियों से अपने बच्चे को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें घमौरियों में अपने बच्चे को आरामदायक सूती कपड़ा पहनाना चाहिए, बिल्कुल स्लीवलेस, ताकि बच्चे, और एकदम ढीला ढाला ना, ताकि जो मतलब जो हमारा बच्चा है वो कंफर्टेबल रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। बहुत फुल स्लीव्स का और टाइट कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ घरेलू उपचार होते हैं जो कि हम अपना सकते हैं, जैसे कि हमें एलोवेरा जेल ना, ये मोस्टली सबके घर पे होता होगा, पौधा भी लोग लगाते हैं। तो एलोवेरा जेल जो है उसकी आप मालिश करें बच्चे को डेली शाम के टाइम में, मतलब कि 7-8 बजे के आसपास आप उसकी मालिश करें। फिर चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं अपने बच्चे को। और सबसे असरदार तरीका है कि फ्रेंड्स, नीम का पत्ता आप लीजिए, उसको पानी में उबालिए, उबाल करके ठंडा करिए और उस पानी से बच्चे को नहला दीजिए, एकदम घमौरियों से तुरंत राहत दे देगा। अगर आपके बच्चे को घमौरी वाली समस्या हो रही है तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी बताए हैं आप इसको ज़रूर आजमाएं और अपने बच्चे को ठीक करें। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और ये समस्या बढ़ती जा रही है तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।